अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरे दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों? आज की रेसिपी तो बहुत ही कमाल की, बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को बहुत ही पसंद आएगी। आज की रेसिपी है दोस्तों, मैं कहता हूँ आलू का पुलाव। दोस्तों आलू का पुलाव ऐसा है कि दोस्तों आज आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। बहुत आसान रेसिपी कर दूंगा इसके लिए, जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। उससे पहले जो दोस्त, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाना है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। अगर नहीं दबाएंगे बेल आइकन के बटन को तो दोस्तों कैसे मिलेगी? पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दिया फिर बेल आइकन के बटन को दबाएं। ये बहुत लाजमी है, बहुत ख़ास है, ठीक है? ये एक आप दोस्तों का प्यार और आपकी तरफ से बाइक लेना है। तो दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ न्यू तरीके से आलू का पुलाव, पोटैटो का पुलाव, बहुत ही टेस्टी। तो इसके लिए जो चीज़ें हैं उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये मैंने कम अज़ कम हाफ के जी मैंने लिए थे चावल, ठीक है? इसको मैंने कम अज़ कम आधा घंटा पहले भिगो कर रख लिए थे, ठीक है? इसको आपने भी पहले भिगो कर रख देना है, ठीक है? इसको ये है कि आपने आधा घंटे भिगोना है, फिर इसके जो है ना चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे, ठीक है? और ये देखें दोस्तों, 1 kg मैंने लिए थे पोटैटो, ठीक है? ये भी मैंने काट कर अच्छे तरीके से पीसीस इस तरीके से कर लेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों ये मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने टोमेटो लिए थे 3 अदद, ठीक है? इस तरीके से आपने बड़े बड़े पीस काट लेने हैं, ठीक है? तो इसके साथ साथ दोस्तों मैं अचार भी ऐड करूंगा, घर का होममेड लेमन वाला और मिर्चों वाला, ये भी ऐड करेंगे। और ये मैंने जो पुदीने की और हरा धनिया और मिर्चों की जो चटनी बनाई हुई है पुदीने की, ठीक है, ये मैंने रखी हुई है, ये साथ हम इस्तेमाल करेंगे खाने के लिए चावलों के साथ। तो दोस्तों बहुत ही मज़ा आएगा, इसमें हम दही भी डाल सकते हैं, रायता भी डाल सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं और स्पेशल बहुत ही मज़ा आएगा, ठीक है? दोस्तों इसके साथ साथ जो मसाले हैं ये आपको बताता हूँ, मसाले जो हमारे आलू का पुलाव, पोटैटो का पुलाव जो बनाना है उसके लिए, ठीक है? 1 टीस्पून जाएगा ये देखिए धनिया पाउडर, 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून ये ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1/2 टीस्पून जाएगा ये देखिए कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून जाएगा ये बिरयानी मसाला और 1 टीस्पून जाएगी हल्दी, ठीक है? ये आपने ज़रूर परफेक्ट मसाले डालने हैं आलू के पुलाव के लिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार फिर आलू का पुलाव बनेगा। ये उन दोस्तों के लिए मैं रेसिपी गिफ्ट करूँगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुझे वॉच कर रहे हैं। स्पेशल थैंक्स दोस्तों आपके सपोर्ट की, आपके तावन की मुझे ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट करते रहे, मुझे तावन करते रहे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहे उन दोस्तों में जो दोस्त ये रेसिपीज़ नहीं बना सकते। आप मेरी रेसिपीज़ को सारी फॉलो करें दोस्तों, बहुत ही स्पेशल, बहुत बहुत मज़े के खाने बने हुए। तो चलें दोस्तों अपनी रेसिपी जो है हम तैयार करते हैं, शुरू करते हैं। इसके लिए जो है ये देखें, 1 अदद मैंने ओनियन लिया था, वो मैंने अच्छे तरीके से इस तरीके से पीसीस काट लिए। ये ग्रीन चिली है, ठीक है, ये इस तरीके से भी काट कर डालनी है और ऐसे भी डालनी है, ठीक है? तो चलें दोस्तों अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, उसके लिए मसाला तैयार करते हैं। दोस्तों इस तरह मैंने कढ़ाई रख दी है बिस्मिल्लाह करके, ये देखिए अब इसमें हम घी डालेंगे। आपके पास घी है, ऑयल है, आप दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। इसमें दोस्तों कम से कम 2 टीस्पून जो है ना हम इसको घी को डालेंगे, ठीक है? और घी गर्म होते साथ ही हमने क्या करना है, ये देखिए ये दोस्तों हरी मिर्चें और ये जो प्याज है ऑनियन, ठीक है, ये डाल देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से हमने थोड़ा सा लाइटली ब्राउन करना है। तो जी दोस्तों प्याज हमारा ब्राउन हो गया जितना हमें चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये देखें ये जो टोमेटो थे, ठीक है, ये इस तरीके से काट लेने हैं, ठीक है, ये टोमेटो सारे डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाह रखवाना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको दोस्तों थोड़ा सा पकाएंगे। जी दोस्तों आप इसमें मसाले डाल देंगे,
मसाले सारे मैंने जो आपको परफेक्ट बताए आपने भी यही मसाले डालने हैं जो मैं आज रेसिपी आपको सिखाने जा रहा हूँ। आलू का पुलाव, पोटैटो का पुलाव दोस्तों इतना टेस्टी है, जब कभी आपके घर मेहमान आए तो आप ये बना कर खिलाएं, आपके मैं कहता हूँ उंगलियाँ आपके हाथ चूमते रहेंगे दोस्तों, उंगलियाँ चाटते रहेंगे। और ये दोस्तों ये देखिए सारे मसालों के इस टाइम पे डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल की इसमें खुशबू आएंगी। इसमें दोस्तों थोड़ा सा ये देखें, ये थोड़ा सा पानी डालेंगे चावलों वाला, बिल्कुल साफ पानी है ठीक है। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे 2 से 3 चम्मच और मसाले की अच्छे तरीके से बनाई कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले इस बात का आपने ख्याल रखना है, जब आपने मसाला बनाई करना है या पोटैटो के साथ जब आपने मसाला तैयार करना है तो इसकी आंच को आपने फ्लेम को तेज ही रखना है ठीक है। तो उसके दौरान ये देखें मसाला हमारा तैयार हो गया है बहुत अच्छे तरीके से ठीक है। तो मसाला सबसे पहले आपने परफेक्ट बनाना है ठीक है, जो तरीका मैंने आपको बताया आपने इसी तरीके से बनाना है ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमारे पोटैटो थे ठीक है, ये वाले ठीक है, 1 कप पानी का है इसमें ठीक है, ये डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ठीक है। और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज की रेसिपी के बारे में आपको माशाल्लाह ये चीज़ पसंद आए तो दोस्तों अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं आपने इग्नोर नहीं करना, आपने मेरे चैनल को ज़रूर एक दफ़ा सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना है ठीक है। इग्नोर ना किया करें, मैं आपका भाई भी हूँ बेटा भी हूँ ठीक है। आपने मुझे सपोर्ट करना है, आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें एक दफ़ा और चैनल को ज़रूर आपने फॉलो करना है ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाना है, इससे नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। अगर नहीं दबाएंगे तो नेक्स्ट रेसिपी कैसे मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों इसको भी मसाले की बनाई करेंगे और इसको ऊपर से ढाम देंगे जी। दोस्तों ये देखें एक ढक्कन लेंगे अच्छा सा प्यारा सा ठीक है, ये ऊपर रख देंगे और इसको 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से, अभी पोटैटो का मसाला जो होगा हम आलू के जो पुलाव बनाना है उसका मसाला अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो दोस्तों आज बहुत ही मज़ा आएगा, इसको बच्चों को बड़ों को अपनी पूरी फैमिली को मैं कहता हूँ खिलाएं दोस्तों, बहुत ही स्पेशल बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ये आलू का पुलाव बनेगा इंशाल्लाह। ये इतना वायरल हो जाएगा आप दोस्तों की बदौलत। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करेंगे उतना ही दोस्त मेरे बहन भाई बुजुर्ग जो नहीं बना सकते वो इसको बनाएंगे। तो दोस्तों बहुत स्पेशल होगी ये रेसिपी आलू का पुलाव, मैं कहता हूँ उंगलियाँ चाटते रहेंगे इतनी स्पेशल होगी ठीक है। तो अभी इसका मसाला तैयार करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जी। दोस्तों अब बिस्मिल्लाह करके 5 मिनट हो गए, इसको पोटैटो को चेक कर लेंगे। पोटैटो अगर हमारे जब गल गए होंगे तो हम बिस्मिल्लाह करके इसको चावलों को डालेंगे आलू के पुलाव के लिए ठीक है। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों इसको पोटैटो को हम चेक कर लेंगे आलू को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आलू जो है हमारे अच्छे तरीके से गलना शुरू हो गए हैं, इस दौरान ही हम क्या करेंगे, ये देखिए जो चावल हैं हमारे मसाला भी बहुत ही अच्छा बहुत ही ग्रेवी वाला तैयार हो रहा है ठीक है। और इस टाइम पे आके हम चावलों को भी इसमें डाल देंगे हाई फ्लेम पे ही, लो फ्लेम नहीं करेंगे हाई फ्लेम पे ही रखेंगे ठीक है। ये देखें इसका जो पानी है वो हम इसको सुखाएंगे, पहले ये देखेंगे चावलों में तकरीबन 1 कप पानी का है, ये भी इसमें डाल देंगे ठीक है बिस्मिल्लाह करके। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सारे चावलों को हम इस टाइम पे आके डाल देंगे, पानी भी जो होगा पानी भी सारा डाल देंगे और इसको हाई फ्लेम पे ही हमने पकाना है चावलों को भी साथ ही ठीक है। दाना दाना सारा साफ कर लेंगे, दाना जो है एक भी ना रहे। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको साफ कर लेंगे, दाने को जाया नहीं करना। ये देखिए अपनी नेमतों को दोस्तों जाया ना किया करें, ऐसे अल्लाह पाक भी खुश होता है। इसको अच्छे तरीके से ये देखिए मिक्स करना है, और दोस्तों अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके हाई फ्लेम पे ही हमने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। अब इसको दोस्तों हाई फ्लेम पे हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए रखेंगे ठीक है हाई फ्लेम पे, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।
दोस्तों आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार है। इसको भी हाई फ्लेम पे पकाएंगे। मैं आपको बताऊंगा पानी इसका सुखाकर फिर हम फ्लेम को बिल्कुल हल्का करेंगे दम के लिए, ठीक है। अभी हमने हाई फ्लेम पे पकाना है। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप भी दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों आप ज़रूर मेरे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही ख़ास है, ये बहुत ही मैं कहता हूँ ख़ास बात है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन के बटन को दबाएंगे नहीं, तो नेक्स्ट रेसिपीज कैसे मिलेंगी। तो आप मुझे सपोर्ट क्या करें, आज की रेसिपी और जो मेरे चैनल पर तमाम रेसिपीज पड़ी हुई हैं उसको ज़रूर आप एक एक दफ़ा फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों में जो दोस्त नहीं बना सकते। माशाल्लाह उसमें ए टू जेड आपको जो रेसिपी चाहिए, चाहे बारबेक्यू है, चाहे कबाब है, चाहे बिरयानी है, चाहे स्वीट है, चाहे नमकीन है, कोई भी चीज़ है, आपको हर चीज़ मिलेगी, ठीक है, और बहुत आसान तरीके से मिलेगी। तो दोस्तों अभी इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे फिर लाइट फ्लेम पे करेंगे। दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आलू का पुलाव, पोटैटो का पुलाव बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बन रहा है। इस दौरान दोस्तों मैंने बीच में ये दो कप मैंने पानी के डाले, ठीक है। आपको भी अगर ज़रूरत पड़े कि पानी की लगे कि आपने पानी डालने हैं, चावल हमारे गले नहीं है, पोटैटो हमारे गले नहीं है, तो आपने भी एक से दो कप या जितने पानी की ज़रूरत हो आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह बीच में मैं आपको एक दफ़ा चेक करवाता हूँ, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हाई फ्लेम पे अभी मैं पका रहा हूँ। जब तक इसका पानी सूखेगा नहीं, हमने हाई फ्लेम पे पकाना है। तो जब पानी सूख जाएगा फिर हमने इसको बिल्कुल हल्की आँच पे करके इसको दम पे रखना है, ठीक है। और बिस्मिल्लाह करके अभी चेक करेंगे एक दफ़ा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। ओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बहुत ही कमाल का हमारा स्पेशल, ये देखिए आलू का पुलाव तैयार हो रहा है, तो ठीक है। पोटैटो का पुलाव आज दोस्तों आपको बहुत ही पसंद आने वाला है, कलर भी देखें और इसकी खुशबू भी देखें। दोस्तों अभी इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, ठीक है, एक से दो मिनट। तो जी दोस्तों माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करके इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आलू का पुलाव दोस्तों बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार, मैं कहता हूँ आज कमाल का हमारा आलू का पुलाव बना है। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी दोस्तों आप दोस्तों को पसंद आए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का स्पेशल हमारा आलू का पुलाव बनकर तैयार है। तो दोस्तों आप फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर लेंगे और जो ये थोड़ा बहुत पानी है माशाल्लाह ये तो अब दम के साथ ही सूख जाएगा। बिल्कुल स्पेशल मज़ेदार हमारा आलू का पुलाव बनकर तैयार है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हरी मिर्चें हैं ये देखें, ग्रीन चिली और रेड चिली, ठीक है, बिस्मिल्लाह करके इसको ये देखें दम पे रखना है। अब इसको अब इसमें डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और दोस्तों जो अचार था, अचार को भी हमें देखें इस टाइम पे आके डालना है, ठीक है। अचार जो ये देखें होममेड अचार है, आपके पास घर में कोई भी अचार हो तो आप इसको डाल सकते हैं, अगर नहीं भी डालना तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अचार डालेंगे तो दोस्तों इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी, ये देखिए अचार को डालेंगे और इसको दोस्तों तकरीबन हमने एक से दो मिनट के लिए दम पे रखना है। अच्छे तरीके से अचार को डाल लेना, इससे जायका इसका बहुत ही कमाल का स्पेशल सुपर होगा। ये उन दोस्तों के लिए मैंने ये रेसिपी गिफ्ट किया जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुझे वॉच कर रहे हैं। अब दोस्तों ये देखिए अचार को मैंने डाल दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। और चावल भी, आलू का पुलाव बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार बना है और इसका कलर भी बहुत ही स्पेशल, बहुत मज़ेदार तैयार हुआ है। तो दोस्तों अब इसको लाइट बिल्कुल हल्का लो फ्लेम पर करके हम इसको तकरीबन एक से दो मिनट के लिए दम पे रखेंगे और बहुत ही स्पेशल मज़ेदार चावल हमारे बनकर तैयार होंगे। तो जी दोस्तों माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे चावल तैयार हैं। अब बिस्मिल्लाह करके ये देखें ढक्कन को खोलेंगे और बिस्मिल्लाह करके हम अब इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलू का पुलाव बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्पेशल मज़ेदार तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह जी माशाल्लाह साइडों से दोस्तों अच्छे तरीके से पकड़ेंगे और वाह दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू का पुलाव ये देखें बनकर तैयार है। तो दोस्तों इसको डिश आउट करेंगे किसी ट्रे में, किसी चीज़ में, किसी प्लेट में, जिस में भी आप करना चाहें। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओह वाओ दोस्तों बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू का पुलाव बनकर तैयार है। अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब,
और आपने भी जरूर मेरे तरीके से जरूर बनाने हैं। आप दोस्तों इसको डिश आउट करेंगे? तो जी दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज का हमारा आलू का पुलाव बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार, हमारा स्पेशल तरीके से तैयार है। तो दोस्तों अगर आज का ये तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को पसंद आया हो आलू का पुलाव, तो दोस्तों आपने भी ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आज का आलू का पुलाव आप दोस्तों को कैसा लगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी होगी बहुत ही ख़ास होगी, इंशाल्लाह बहुत ही आसान रेसिपी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज के रेसिपी के बारे में आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है, आज का जो आलू का पुलाव है आप दोस्तों को कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप भी दोस्तों इस टाइम पे मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को एक दफ़ा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों में जो दोस्त नहीं बना सकते। आज का जो आलू का पुलाव है इसके बारे में आपने ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। ये रेसिपी दोस्तों मैंने बहुत आसान कर दी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार आलू का पुलाव बनकर तैयार है। इसको चटनी के साथ, रायते के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बच्चों को, बड़ों को, सबको खिलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी खास रेसिपी में। आज की रेसिपी कैसी लगी है इसको ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में इजहार करें और मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी खास रेसिपी में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपने दुआ में याद रखें, जाते जाते मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। आप इसमें कढ़ाई में भी दे सकते हैं दोस्तों, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मजे के हमारे स्पेशल आलू का पुलाव, पोटैटो का पुलाव बनना है, बहुत ही स्पेशल। मिलते हैं नेक्स्ट में किसी खास में। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज़।